खरगोन आनंद नगर कपास मंडी में सोमवार को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब सरकारी खरीदी कर रही सीसीआई ने नए नियमों के अनुसार खरीदी की बात कही। किसानों का विरोध सीसीआई यानी भारतीय कपास निगम के नए आदेश को लेकर था। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में कपास की खरीदी को सीमित किया जा रहा है। किसानों ने निगम के प्रबंधक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि अब तक आधार कार्ड और पंजीयन पर खरीदी हो रही थी, लेकिन अब खसरा नकल मांगी जा रही है जिसमें कपास का रकबा होना अनिवार्य है। किसानों का कहना था कि नई नकल रबी सीजन की है जिसमें गेहूं चना दर्शाया जा रहा है, ऐसे में उन्हें खरीब नकल निकलवाने के लिए दोबारा ऑनलाइन सेंटर जाना मजबूरी बन गया है। जिले के सुदूर गांवों से आने वाले किसान ऑनलाइन सेंटर कहां तलाशे, इस बात को लेकर करीब 2 घंटे खरीदी प्रभावित हो रही। 1 बजे बाद खरीदी शुरू हुई। किसानों का कहना है कि व्यापारी जहां 6400 से 6500 के बीच खरीदी कर रहे हैं, वहीं सीसीआई में 6920 रुपए भाव मिल रहा, लेकिन नए नियम लागू कर कहीं न कहीं सीसीआई किसानों को कम दाम में मंडी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने को मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बेचने के लिए आए थे और हम यहाँ पर कपास बेचने आते हैं, यहाँ की स्थिति देखते हैं तो यहाँ की काफी नियमों में हम किसानों को उलझाया हुआ रखा था। क्या होता है कि हम रबी की फसल बेचने आए थे, लेकिन रकबे में क्या होता है कि खरीफ की फसल दर्शा रहा है और रबी की फसल नहीं दर्शाने के कारण यहाँ के सिंचाई का जो नया नियम लागू हुआ है तो उसमें क्या होता है कि आपकी खरीफ की फसल ही जो कपास दिखाई जाएगी तो ही कपास खरीदा जाएगा सिंचाई द्वारा। और हम सभी क्या है कि व्यापारियों को कपास बेचना नहीं चाहते क्योंकि व्यापारी कम दाम में कपास खरीद रहे हैं और सिंचाई अच्छे दाम कपास के दे रहे हैं, हम सिंचाई को कपास खरीदना चाहते हैं, लेकिन सीसीआई ने नए नियम लागू कर दिए हैं कि आपके खसरा बीमा नकल में जो फसल दर्शाई जाएगी उसी की फसल खरीदी जाएगी, अन्यथा हमारी फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसी को लेकर सुबह से हंगामा चल रहा था, 12:30 बजे इन्होंने मंडी चालू करी, फिर हम सभी ने किसान ऐप से डाउनलोड करके लाए और हमारी फिर इसमें 2023 में कपास की फसल दर्शाई गई तो हमारा कपास बिक चुका है और मेरा कपास 6920 का बिका जी। पहले सूचना नहीं थी और इन लोगों ने हमें पहले सूचना भी नहीं दी और किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद में जब यहाँ हंगामा हो रहा था तब हमें पता चला कि ये नए नियम आए हैं, फिर हम दौड़ा भाग करके TIT कॉम्प्लेक्स गए 2 किलोमीटर दूर और वहां से सारी चीजें निकाल कर लाए और हमने यहाँ जानकारी दी। मेरा नाम भागीरथ खतवासा है, ग्राम सांगवी से। खरीदी में ये समस्या आ रहा है कि जो शुक्रवार तक जो नियम था वो नियम से आज सीसीआई ने कपास लेना बंद कर दिया। ये सब देख लो, पूरे किसान परेशान हो रहे हैं और ये नए कहीं कहीं नियम लागू कर दे कि इस पे कपास भी लिखा होना, ये भी लिखा होना, जबकि हर किसी के नकल में कपास भी लिखा हुआ है, उसके बाद भी पंजीयन में समस्या आ रही है और किसान परेशान हो रहे हैं और व्यापारियों के द्वारा कम भाव में कपास लिया जा रहा है। हर किसान चाहता है कि सीसीआई में दे, सरकारी बोली में दे, लेकिन वो चक्कर में किसान पूरे परेशान हो रहे हैं और उनको उचित भाव नहीं मिल रहा है। भाव भी उचित नहीं मिल रहा है, इसके अलावा जैसे आप लोग कपास लेकर आए हो और उसके बाद में आपके मापदंड के लिए आप यहाँ पहुँचाते हैं, ये पहुँचाते इसके पहले कोई सूचना नहीं दी है कि ये कागज लगेंगे। अब वो किसान तो क्या शुक्रवार के हिसाब से जो कागज लाना था वो ले आए, अब आज परेशानी सब किसानों को, क्योंकि पटवारी को कहाँ ढूंढे, तहसीलदार को कहाँ ढूंढे, वो तो उनके विभाग में। आज नया नियम लागू कर दिया कि ये नियम से कपास की खरीदी होगी, इसमें पूरे किसान का परेशान हो रहे, इसका सीधा सीधा फायदा व्यापारियों को होगा। क्या है नया नियम, यह कि वो पंजीयन नकल पे कपास भी लिखा हुआ चाहिए, पर उसमें क्या है कि MP ऑनलाइन की ये जो फाइलें हैं, ये जो नकल निकल रही है इसमें बहुत सारे अपडेट नहीं है। अब किसान क्या है, उसको अपडेट करने से तो रहा, अब ये मैंने नकल निकाली इस पे अपडेट नहीं हुआ है। पहले किस तरह खरीदी हो रही थी? पहले ये नकल पे ऑनलाइन पंजीयन होता था, वो जो जिसको भी बताया कि हमको सरकारी बोली में देना है तो ले लेते थे उस पे। कमल पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।